अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्टर बेंजामिन के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी थियोडोर अडोर्नो आइमर के बारे में, तो आज की इस वीडियो में वॉल्टर बेंजामिन के वर्क्स को, उनके क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को और विद कोटेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्टर बेंजामिन बेसिकली एक जर्मन स्कॉलर, कल्चरल क्रिटिक, ज्यूश फिलोसोफर, एसिस्ट एंड मीडिया थेरिस्ट थे। 1892 से लेकर 1940 तक इनका टाइम स्पेंड जाता है। ही वॉज ऑल्सो द लीडिंग थेरिस्ट ऑफ 1920 एंड 1930s फेस ऑफ मार्क्सिज्म। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज, ठीक है। और जब जर्मनी में नाजिज्म की वजह से जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थेरिस्ट को US जाना पड़ा, तो ये भी उनके साथ थे, लेकिन रस्ते में इन्हें कैप्चर कर लिया गया और इन्होंने अपने आप को वहीं मार लिया, ठीक है, वही उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इन्होंने अपने आप को, ये कहा जाता है दैट ही किल्ड हिमसेल्फ। एनी हाउ, हम देखते हैं कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स। द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, बहुत एवर ग्रीन वर्क इनका माना जाता है। एंड देन क्रिटिक ऑफ वॉयलेंस एंड देन द टास्क ऑफ द ट्रांसलेशन। कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। बेसिकली जो वॉल्टर बेंजामिन हैं, ये एस्थेटिसिज्म की बात करते हैं, मींस कि वो आर्ट और ब्यूटी की बात करते हैं। किस तरह अब आर्ट और ब्यूटी की जो वैल्यू है ना, थ्रू द मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव एज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, वो लॉज़ कर चुकी हैं एक आर्ट अपनी वैल्यू को, अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ को, तो वो इसकी बात करते हैं। बेसिकली इनका ये जो कॉन्सेप्ट है एस्थेटिक थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, यानी जो वो फर्दर कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। एस्थेटिसिज्म का बेसिकली मतलब होता है, ये एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है एस्थेटिसिज्म, दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। मीन्स कि जब हम ब्यूटी एंड आर्ट की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं एस्थेटिसिज्म की। अब वो बात करते हैं ब्यूटी एंड आर्ट की, और उसके लिए सबसे पहले वो जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ ओरा। डिक्शनरी में ओरा का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो होती है उसकी ओरा। वॉल्टर बेंजामिन बात करते हैं ओरा को बाय टू डिफाइन यूनिक क्वालिटी ऑफ एन ओरिजिनल आर्ट वर्क। और वो जो यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किसी भी ओरिजिनल आर्ट वर्क के अंदर उसका अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस मौजूद है, कोई कल्चरल एक्सप्रेशन उसके अंदर मौजूद है, तो वो उस वर्क की यूनिक क्वालिटीज़ होंगी, मीन्स कि उसका ओरा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कोई बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क होते हैं जो एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इट्स मीन उसके अंदर एक यूनिक क्वालिटी मौजूद है, यानी उसके अंदर ओरा मौजूद है। वॉल्टर बेंजामिन कहते हैं कि जो ओरा है ना एक ओरिजिनल आर्ट वर्क की, वो इस मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव एज में लूज हो चुकी है। मींस कि अब जो मौजूदा एज है, मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव एज है, जो टेक्नोलॉजी की एज है ना, उसमें एक ओरिजिनल आर्ट वर्क के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिक क्वालिटी मौजूद नहीं रही। अब जो आर्ट वर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर कोई भी यूनिक क्वालिटी मौजूद नहीं है, और उसके अंदर जो रिचुअलिस्टिक फंक्शंस है ना, मींस कि उसके अंदर जो जितने भी रिचुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस थे वो कुछ भी मौजूद नहीं है, सब कुछ लूज हो चुका है, तो वो इसकी बात करते हैं ओरा के अंदर। एंड देन वो बात करते हैं कल्ट वैल्यू एंड एग्जिबिशन वैल्यू ऑफ आर्ट। कल्ट वैल्यू ऑफ आर्ट क्या होती है, जब किसी आर्ट वर्क के अंदर उसकी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज़, यानी कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सप्रेशन मौजूद हों, तो इट्स मीन वो उसकी कल्ट वैल्यू होती है, ठीक है ना। और जब किसी आर्ट वर्क के अंदर उसके रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मौजूद हों ना, यानी ट्रेडिशनल एक्सप्रेशंस, ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हो, तो इट्स मीन कि जो वर्क है ना वो यूनिक वर्क है, यानी एक यूनिक कल्चर को, ट्रेडिशन को वो एक्सप्रेस कर रहा है। और वो जो वर्क यूनिक होता है ना, वो एक स्पेसिफिक कनेक्शन शो करता है आर्ट वर्क का किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के साथ, तो इसलिए वो कहता है कि आर्ट के अंदर एक होती है कल्ट वैल्यू, ठीक है, जो उसकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो रिचुअल्स कस्टम्स को शो करते हैं। दूसरे नंबर पे उसके अंदर होती है एग्जिबिशन वैल्यू। अब एग्जिबिशन वैल्यू जो, अगर हम इसको टर्म को देखें, एग्जिबिशन मींस के एक्सप्रेस करना, डिस्प्ले करना, ये आर्ट की वो वैल्यू होती है जिसमें आर्ट को एज एन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले किया जाता है, इसको लाया जाता है इन फ्रंट ऑफ द टारगेटेड पीपल, ठीक है, यानी एक मैस के अंदर, एक सर्कल के सामने या लोगों के सामने जब एक आर्ट वर्क को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो उसकी होती है एग्जिबिशन वैल्यू। एंड देन ही टॉक्स अबाउट एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
मीन्स कि इसके अंदर वो क्रिटिसाइज करते हैं द यूज़ ऑफ आर्ट बाय पॉलिटिक्स, और वो ये कहते हैं कि किस तरह जो पॉलिटिक्स है वो आर्ट का यूज़ करती है इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट पीपल। अगर आपको प्रीवियसली याद हो तो थियोडोर अडानो और मैक्स ओकाइमर कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर यानी पॉपुलर कल्चर में जो मैस मीडिया की एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को मैनिपुलेट कर रही है। इसी तरह ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो आर्ट का यूज़ करती है लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, और इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं फैशिज्म की कि किस तरह फैशिज्म के अंदर पॉलिटिक्स ने आर्ट को यूज़ किया, और मींस के वो कहते हैं कि जो फैशिज्म ने जब फैशिज्म में जब पॉलिटिक्स ने यानी फैशिज्म में जब आर्ट को यूज़ किया गया तो लोगों ने उन्होंने यानी फैशिज्म ने लोगों को इस बात का तो अलाउ कर दिया कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, लेकिन इस आर्ट के गलत यूज़ करने की वजह से, इस आर्ट को एज अ मैन्युपुलेट फॉर द पीपल यूज़ करने की वजह से लोगों ने अपने सही राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इस तरह वो कहते हैं कि किस तरह ये जो आर्ट है ना वो को एज अ मैन्युपुलेशन यूज़ करते हैं मैन्युपुलेट करने के लिए लोगों को, ठीक है ना, ताकि लोग अपने सही राइट्स को रिकॉग्नाइज ना कर सकें, तो वो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। एंड देन वो बात करते हैं पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक्स, यानी इसके रिस्पॉन्स में वो बात करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक को, वो कि अब वो न्यू कॉन्सेप्ट देते हैं और वो कहते हैं कि अब क्या है आर्ट के अंदर इतनी आर्ट वर्क के अंदर पावर होनी चाहिए कि वो चैलेंज कर सके सोशल ऑर्डर को, इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को, आर्ट को एज अ टूल फॉर सोशल क्रिटिक एंड ऑपरेशन होना चाहिए। मींस के जैसे हमने बताया कि आर्ट के अंदर ऐसा ओरा, ऐसी यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए जो क्रिटिसाइज कर सके पॉलिटिक्स को, जो चेंज की बात कर सके, यानी आर्ट के थ्रू, यानी कुछ आर्ट वर्क हमने देखे ना, अगर आप देखो कि ब्यूटी या आर्ट के कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि इसके अंदर इतनी पावरफुल अब आर्ट होनी चाहिए, एज अ टूल यूज करना चाहिए अब आर्ट को सोसाइटी के ऑपरेशन के खिलाफ। एंड देन वो लास्ट पे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परसेप्शन, वो कहते हैं कि किस तरह ये जो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन एज की वजह, रिप्रोडक्टिव एज की वजह से जो टेक्नोलॉजी ने हमारी परसेप्शन को चेंज कर दिया, मींस कि हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो टोटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है, और अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना इसने एक न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें दे दिया है टू एक्सप्रेस द रियलिटी एंड द आर्ट, मींस कि अब आर्ट को उस तरह एक्सप्रेस नहीं किया जाता जिस तरह पहले किया जाता था। और ये भी वो बात करते हैं कि अब ये जब हमारी परसेप्शन चेंज हो चुकी है ना ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी, ड्यू टू दिस मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव एज, तो हमारे माइंड में मल्टीपल ये क्वेश्चंस को भी रेज करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन, फ्रेगमेंटेशन, होलनेस की कमी यानी लैक ऑफ यूनिटी, ऐसे जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। अब ये वो बात करते हैं, अब सिंपली अगर मैं ओवरऑल इसका करक्स आपको बताऊँ ना तो वो यही कहते हैं कि एस्थेटिसिज्म मीन्स के आर्ट को इस तरह यूज़ किया जाना चाहिए कि वो भी हमारे क्रिटिकल थ्योरी में, सोसाइटी को चेंज करने में, सोशल क्रिटिक में, और इसके अलावा क्रिटिसाइज ऑफ द टू द पॉलिटिकल सिस्टम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें, वो इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये ओरेटिक परसेप्शन ये यही है। अब इसमें आपको ना मिथ का भी थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, वो वही बात करते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की कहते हैं कि मैकेनिकल रिप्रोडक्शन की वजह से किस तरह जो हमारी परसेप्शन है, हमारी ओरेटिक परसेप्शन है, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड ब्यूटी, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिक क्वालिटी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, वो लॉस हो चुकी है, ठीक है। वो फोकस करते हैं द इशू ऑफ सोवरन वॉयस, ये इसकी ना बहुत बात करते हैं, ठीक है ना, वो ना इसको निगेट करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो वॉयस है ना इसको ख़त्म होना चाहिए, जैसे हमने प्रीवियसली देखा। अब फिर वो इनका मेन इंटरेस्ट है इज़ इन क्लेमिंग एक्सप्रेसिव इमोशन फॉर रेवोल्यूशन, मीन्स कि वो रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं, ठीक है ना, यानी उन्होंने इमोशन फॉर रेवोल्यूशन के लिए अपने इमोशंस को शो किया था, वो चेंज ऑफ द सोसाइटी की ही बात कर रहे हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इसका बता दिया। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि सोसाइटी को एज अ होल देखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एज अ होल देखना चाहिए, और हिस्ट्री को वी शुड ऑब्जर्व हिस्ट्री नॉट थ्रू ग्रेट वर्क बट विद एवरी वन, ठीक है ना, यानी एवरी वर्क इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बेंजामिन वो कहते हैं कि हमें हिस्ट्री, सोसाइटी को एज अ होल जिस तरह देखना ना, इस तरह सारे वर्क को भी हम जब हिस्ट्री पढ़ें तो एज अ होल देखना, ये नहीं देखना कि एक स्पेसिफिक राइटर ने ये कह दिया तो बस ठीक है, एक मशहूर राइटर ने ये कह दिया ग्रेट वर्क के सूरत में भी, बल्कि एवरी वर्क की सूरत में हमें हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में, वो कहते हैं द वर्क ऑफ एन ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन इज नो लंगर आ रिचुअलिस्टिक ऑब्जेक्ट बट अ पॉलिटिकल वन, ठीक है ना, जैसे कि वो बात करते हैं एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो इसके बारे में द टास्क ऑफ क्रिटिक इज टू रिवील द हिडन
ट्रूथ ऑफ द आर्ट वर्क, नॉट टू प्रेस और कंडेम, यानी जो हिडन वर्क है ना एक आर्ट के, यानी हिडनली तौर पर उसकी क्या मीन्स है, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका एक क्रिटिक का मकसद है, ना कि उसको कंडेम करना या प्रेस करना. ठीक है, आर्ट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी बट अ हैमर विद विच टू शेप इट. हाँ जी, ये जो मैंने आपको नास्टिक कॉन्सेप्ट बताया, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एस्थेटिक, ये उसके अंदर आएगा. फिर कहते हैं आर्ट इज नॉट लग्जरी बट अ नेसेसिटी फॉर द रेवोल्यूशन. तो यही है ना, वो रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो आर्ट के थ्रू रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर. इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर वॉल्टर बेंजामिन, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की हमने बात की है. इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. तो तीन टॉपिक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कवर, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, इसे शेयर ज़रूर किया करें और अपने रिव्यूज़, अपने कॉमेंट्स ज़रूर पास किया करें इन द कॉमेंट्स बॉक्स. ठीक है, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे, सदका जारिया के तौर पे शेयर करोगे, या वैसे शेयर करोगे हेल्प के तौर पे, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और दूसरे के लिए भी. अच्छा, तो मुझे भी खास दुआ में याद रखिएगा और पैलेस्टीन के पीपल को भी. अल्लाह हाफिज़.